नमस्ते, मैं हूं गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस स्प्लिट ईसी पाइपिंग के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग स्प्लिट ईसी की जो पाइपिंग करते हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में तीन एग्जाम्पल है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें आप देख सकते हैं आउटडोर यूनिट जो है वो ऊपर है और इंडोर यूनिट जो है नीचे है। तो केस फर्स्ट में आउटडोर यूनिट अबो इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट ऊपर इंडोर यूनिट नीचे, इस केस में हम कितनी पाइपिंग कर सकते हैं। तो इस केस में हम मैक्सिमम पाइपिंग जो होती है वो 10 मीटर की कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एक यू ट्रैप देना जरूरी है जो ऑयल है ऑयल रिटर्न जाने के लिए, ताकि इंडोर में जो भी ऑयल फंसेगा उसको स्लोप देके हम यू ट्रैप में यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और सक्शन लाइन में यू ट्रैप होता है और यहां से ये जो ऑयल है वापस जो है कंप्रेसर को जा सकता है। सेकेंड जो केस है, सेकेंड केस में आप देखोगे आउटडोर यूनिट बिलो इंडोर यूनिट। तो आउटडोर यूनिट जो है नीचे है और इंडोर यूनिट जो है वो ऊपर है, ओके। और इस केस में कितनी पाइपिंग हम कर सकते हैं, 7 मीटर, ओके। तो इस केस में 7 मीटर, फर्स्ट केस में 10 मीटर तक पाइपिंग कर सकते हैं, सेकेंड केस में 7 मीटर तक पाइपिंग कर सकते हैं, कंडीशन आउटडोर यूनिट नीचे होना चाहिए और इंडोर यूनिट ऊपर होना चाहिए। और थर्ड और फाइनल जो केस है इसमें क्या बताया है, आउटडोर यूनिट एंड इंडोर यूनिट एट सेम लेवल। अगर आउटडोर और इंडोर यूनिट अगर सेम लेवल में होता है तो कितनी पाइपिंग कर सकते हैं, 15 मीटर तक पाइपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे तीन अलग अलग कंडीशन है और तीनों अलग अलग कंडीशन में मैक्सिमम पाइपिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है और इसके अकॉर्डिंगली ही हमें जो स्प्लिट एसी है उसकी पाइपिंग करना जरूरी होता है।